पाठ तीन, शब्द और वाक्य। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। चित्र देखिए और शब्द पढ़िए। भालू, उद्यान, महिला, कचौड़ी। समझो, भालू उद्यान, महिला तथा कचौड़ी शब्द है। सभी शब्द वर्णों से बनते हैं, जैसे भालू, भ जमा आ जमा ल जमा ऊ। महिला, म जमा अ जमा ह जमा ई जमा ल जमा आ। उद्यान, उ जमा द जमा य जमा आ जमा न जमा अ। कचौड़ी, क जमा अ जमा च जमा ओ जमा र जमा ई। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकले शब्द कहलाता है। कुछ वर्णों का मेल तो होता है, किंतु उनसे कोई अर्थ नहीं निकलता है। वर्णों के ऐसे मेल को शब्द नहीं कहा जा सकता है, जैसे लूभा, न्यादेव, लाहिम, चौड़ीक। शब्दों के भेद। हिंदी भाषा में शब्दों को तीन आधार पर बांटा गया है। शब्द उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी शब्द। हिंदी के शब्द भंडार, स्रोत, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के हैं। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द तत् जमा सम से बना है। तत् का अर्थ है उसके, संस्कृत के, और सम का अर्थ है समान, उसके समान। से यहाँ तात्पर्य है मूल स्रोत के समान। हिंदी शब्द भंडार का मूल स्रोत संस्कृत है। संस्कृत के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सर्प, सूर्य, अग्नि, मयूर। तद्भव शब्द। संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द तत् जमा भव से बना है, जिसका अर्थ है उससे पैदा हुआ। संस्कृत के जो शब्द कुछ बदलकर या बिगड़कर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दही, घड़ा, कान, आम। देशज शब्द। देश जमा ज, देश में उत्पन्न। हिंदी में लोक भाषाओं से आए कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे तेंदुआ, पैसा, जूता, पगड़ी। विदेशी शब्द। दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे लालटेन, स्टेशन, स्कूल, पादरी, जमीन, बंदूक, सब्जी, आदमी, वकील, सौगात, रुमाल, तौलिया, कमरा आदि। कुछ उदाहरण इस प्रकार है। अरबी भाषा, अखबार, अदालत, अल्लाह, इंसाफ, इम्तहान, रिश्वत, वकील, शतरंज, हुक्म, जुर्माना, दफ्तर आदि। फारसी भाषा, आदमी, उम्मीद, खुशामद, गुब्बारा, गुलाब, चीज, जमीन, शिकार, सब्जी, प्याज आदि। तुर्की भाषा, कुर्ता, कैंची, तोप, बंदूक, बेगम, सौगात आदि। पुर्तगाली भाषा, आलपिन, अलमारी, कनस्तर, कमरा, तौलिया आदि। अंग्रेजी भाषा, कंप्यूटर, रोबोट, डॉक्टर, इंजीनियर, पेंसिल आदि। बनावट या रचना के आधार पर हिंदी शब्द।
बनावट के आधार पर हिंदी शब्द दो प्रकार के होते हैं। मूल शब्द रूढ़ या किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो, जो शब्द स्वयं में पूर्ण हो और दूसरे शब्दों के योग से ना बने हो, उन्हें मूल शब्द कहते हैं। इन शब्दों के सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे गाड़ी, सोना, पुस्तक, छोटा, बल आदि। मूल शब्दों को रूढ़ शब्द भी कहते हैं। व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द के साथ कोई शब्द अथवा शब्दांश जुड़ने से व्युत्पन्न शब्द बनते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। यौगिक शब्द। ये शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़। अतः दो शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं, जैसे सेनापति, सेना जमा पति, शब्द जमा शब्द। सुंदरता, सुंदर जमाता, शब्द जमा शब्दांश। पुस्तकालय, पुस्तक जमा आलय, शब्द जमा शब्द। अपमान, अप जमा मान, शब्द जमा शब्दांश। यौगिक शब्दों में प्रयुक्त शब्दों को अलग अलग किया जा सकता है। हिंदी में कुछ यौगिक शब्द ऐसे भी हैं जो दो भाषाओं के शब्दों के योग से बने हैं। ये शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे रेलगाड़ी, सिनेमा घर, टिकट घर, जेल खाना। योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो यौगिक होते हुए भी किसी एक ही अर्थ में रूढ़ होते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं, जैसे नीलकंठ, पंकज आदि। नीला जमा कंठ, नीलकंठ, नीले कंठ वाला अर्थात शिव। पंक जमा ज, पंकज, पंक कीचड़ में, ज जन्मा अर्थात कमल। प्रयोग के आधार पर हिंदी शब्द। प्रयोग के आधार पर हिंदी शब्द दो प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द। इनके रूप में लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चार प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द। इनके रूप में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आता, इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। हिंदी भाषा में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मय आदि बोधक, ये चार प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता। वाक्य। वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह से बनते हैं, जो अपने विचार दूसरों तक पूरी तरह पहुंचाते हैं। अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग। वाक्य उद्देश्य, विधेय, उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, जैसे रमन किताब पढ़ रहा है, यहाँ रमन करता है। विधेय उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वह विधेय कहलाता है, जैसे रमन किताब पढ़ रहा है, यहाँ पुस्तक पढ़ रहा है। उद्देश्य रमन का कर्म क्रिया, उसका विस्तार है। यह वाक्यांश रमन के बारे में बता रहा है, अतः यह विधेय है। अन्य उदाहरण। उद्देश्य विधेय, दादी पूजा कर रही है, माताजी खाना बना रही है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, वह कॉपी लेकर आया, मौसी सामान लाई। हमने सीखा। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्द वही होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है।
शब्द को तीन भागों में बांटा है, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। वाक्य शब्दों का वह व्यवस्थित समूह होता है जिससे संपूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। वाक्य के दो प्रमुख अंग हैं, उद्देश्य, विधेय।